डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए चलते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को खत्म कर दिया है, बिल्कुल उसको कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग आगे कि कौन से चैप्टर को शुरू किया जाए, दैट इज अ ओवरऑल हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आपको जैसा कि पता होगा, क्लास 12th में कैलकुलस से 44 मार्क्स, लगभग 40 से 44 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कैलकुलस से। और कैलकुलस का दो पार्ट्स है। आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलस का दो पार्ट्स है दोस्तों। एक का नाम है डिफरेंशिएशन और एक का नाम है इंटीग्रेशन। एक का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। और अगर डिफरेंशिएशन का बात करें तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5वें चैप्टर एंड 6वें चैप्टर में है। अगर हम इंटीग्रेशन का बात करें तो ये एनसीईआरटी के बुक में 7वें, 8वें, 9वें चैप्टर तक के चलता है ये इंटीग्रेशन। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 5, 6, 7, 8, 9 को कंप्लीट कर लिया जाए तब आपका कैलकुलस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने डिफरेंशिएशन अभी अभी तुरंत खत्म किया है, तो मेरे हिसाब से क्योंकि कैलकुलस दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ क्लास 12th एंड दैट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन को आज स्टार्ट करने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास बुक्स भी होना चाहिए। तो अगर किसी के पास सिर्फ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक ही है, तो आप जरूर से जरूर सेकेंड बुक का भी इस्तेमाल या फिर इंतजाम, जिसको बोलते इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल तो करेंगे ही जब इंतजाम हो जाएगा तो, है ना। इसलिए मेरा कहना है कि जिस किसी के पास अगर क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक पार्ट 2 नहीं होगी तो आप इसको जरूर से जरूर इंतजाम करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट किए हैं करेंगे सेकेंड बुक। फर्स्ट बुक कंप्लीटली कंप्लीट है सिर्फ रिलेशन फंक्शन को छोड़कर। तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चंस आते हैं जो लास्ट टाइम अगर पढ़ा देंगे ना तो आपको चीजें याद भी रहेंगी, इसलिए उस चैप्टर को अभी ना छोड़े हुए हैं। उसको अगर लास्ट में पढ़ा देंगे तो आपको चीजें तुरंत करंट याद रहेंगी और आप चीजों को जाकर लिख दोगे, ठीक है। इसलिए रिलेशन फंक्शन को अभी हम लोगों ने स्टॉप किया है। अभी हम लोग पढ़ने वाले क्या है, आज से इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हैं। दोस्तों हम आपको बताते चले, इंटीग्रेशन कोई नया चीज नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन की सभी रूल्स नियम को आप अगर समझ रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन ना बहुत इजी है। लेकिन उसके लिए जो डिफरेंशिएशन को अच्छे तरीके से पढ़ा है, अच्छे तरीके से समझा है, अच्छे तरीके से रूल नियम को फॉलो किया है, उसके लिए ये चैप्टर दैट इज अ वेरी इजी। लेकिन उसके लिए कभी इजी नहीं होगा जिसको डिफरेंशिएशन ही पता नहीं चलना हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों उल्टा है दोस्तों, दोनों उल्टा है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बोलेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप बोलेंगे 1/x, आप क्या बोलेंगे 1/x। लेकिन अगर हम बोल दें कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा तब आपका आंसर होना चाहिए log x, ठीक है। आंसर क्या होगा, log x। जरा बात कर लेते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। हम अगर पूछे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बता दो तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा,
ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि जो बंदों को अगर डिफरेंशिएशन क्लियर है, इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर को। और हाँ दोस्तों, बताते चले जो इंटीग्रेशन है ना, बहुत तरह का यहाँ पर रूल्स नियम लगता है, तो आप चीजों को ना संभल संभल के यहाँ पर रूल लगाना है, ठीक है। खैर हम तो आइडियाज देने वाले हैं ही है, हम बताएंगे और फिर आप उसी चीज को फॉलो कीजिएगा। अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अन्यथा आप फंसते चले जाएंगे और आपका आंसर नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी के बुक में जरा कहां कहां इन करते हैं। एनसीईआरटी सेकेंड बुक, ठीक है, जिसमें हम लोग सातवें चैप्टर, नाम क्या है, इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स बात सेम है। आप इसके नाम पे कंफ्यूजन नहीं होइए कि सर इंटीग्रेशन अलग होता है और इंटीग्रल्स अलग होता है, तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी इसको इंटीग्रेशन नहीं लिखता है, इसी को इंटीग्रल्स लिखता है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा आते हैं कि आखिर ये इंटीग्रल्स चैप्टर कब खत्म होगा भाई। तो दोस्तों इंटीग्रल्स चैप्टर तभी खत्म हो पाएगा जब हम लोगों को 7.1, 7.2 ऐसा करते करते 7.11 तक के अगर आप बना लेते हैं, तब जाकर आपको सातवां चैप्टर खत्म होगा। ध्यान से सुनिए, सातवां चैप्टर में क्या बोले हम कि सातवां चैप्टर तभी खत्म होगा जब 7.1 से लेकर 7.11 तक आप पूरा कंप्लीटली बना लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल 11 एक्सरसाइज है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, सेवन वाले चैप्टर 7.11 तक, ठीक है। तो 7.11 तक है दोस्तों, तो इसमें करीबन हम लोग देख पाते होंगे कि 45 से 50 डे लगते हैं इसको खत्म होने में, 45 से 50 दिन, ठीक है। आपको आइडिया दे देते हैं लगभग कब तक खत्म होगा। आज जून महीने की 8 तारीख है, जून महीने की 8वें तारीख है, हाँ जी, जून महीने के 8वें तारीख है। जुलाई महीने के 8वें तारीख तक आते आते 30 दिन हो जाएगा, लगभग एक महीना। अब फिर से उसमें हम लोग 15 या 20 दिन जोड़ेंगे, यानी कि जुलाई महीने के लास्ट तक खत्म होगा, समझ रहे हैं। जुलाई आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो आपका ये इंटीग्रेशन कब खत्म होगा, यानी कि मान लो कि ये लगभग 2 महीने का कोर्स होता है पूरा इंटीग्रेशन खत्म होने का। इंटीग्रेशन का लगभग कितना दिन का कोर्स है, 45 से 50 दिन, और इधर उधर मतलब कभी गैप, ये लगातार चले तब, और गैप अगर आ जाती है तो लगभग 55-60 दिन चल जाता है। हालांकि हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास में कभी भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो, लेकिन अगर हम लोग की कोचिंग क्लास होती तो सैटरडे भी गैप हो जाती, वहां पे टेस्ट हो जाता, और संडे को ऐसी ऑलरेडी छुट्टी हो जाते, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे यही समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि 45 से 50 डे में अगर रेगुलर अगर हम लोग यहां पे चल रहे तो हम लोगों के लिए बिल्कुल इतना दिन में हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन इंस्टीट्यूट में कोचिंग में वहां पे तो छुट्टी होनी पड़ती है, तो वहां पे नहीं हो पाता, वहां पे 60-62-65 दिन लग जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पे आज हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और ये दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दोस्तों, इसलिए आपको एनर्जी लाना होगा अंदर से, पढ़ने का जुनून हौसला लाना होगा कि हमें अगर एक क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन करके दे दिया जाए, हम उसी टाइप पे बाकी की क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करें। अगर आपने एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस आती है हूबहू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं।
ये बात हटा दो दिमाग से कि बहुत सारी बुक्स पढ़ने पड़ेंगी, ऐसे नहीं है। हम भी एनसीईआरटी बुक को फॉलो किए हैं, आपको भी करवा रहे हैं, और जो भी लोग किए हैं जिनका अच्छा खासा मार्क्स आया है तो उनसे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बुक खराब नहीं होता है। तो दूसरी तरफ हम ये भी बोलेंगे कि अगर आप एनसीईआरटी बना लिए और फिर भी अपने आप में टैलेंट समझते हैं, आप दूसरे प्रकाशन को किताब को बनाओ, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। आप देखो, मैथमेटिक्स में अगर आपको इंटेलिजेंट होना है तो आप बुक्स बनाओ, पहले पहले नंबर पे रखो एनसीईआरटी, कि हम लोगों को इंटीग्रेशन ना बना लेना है, पूरा धांसू टाइप से बनाकर खत्म कर देना, एक एक चीज को क्लियर कर लेना है, तो आप कर पाएंगे। नहीं तो पहले ही सुनकर इतना बड़ा लंबा चैप्टर है, 11 चैप्टर क्या होगा क्या नहीं, आप सोच में पड़ गए भाई। ऐसा नहीं, सिंपल वे में हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ मिलकर, तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम होगा हमें, आप पूछो सर यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ऐसे ना ऐसे करेंगे, समझ रहे। चलिए अब हम लोग आइए इंटीग्रल्स को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले कुछ थ्योरीज को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज पहले 7.1 के लिए कुछ थ्योरीज हम लोग देखते हैं, 7.1 के लिए कुछ थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी में सबसे पहला जो टॉपिक्स लेंगे वो लिखेंगे कि इंटीग्रल्स के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल्स के दो टाइप्स होते हैं। एक का नाम है दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रल्स और एक का नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। अब हम किसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स और किसको बोलेंगे दोस्तों इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, जरा बात कर लेते हैं। तो डिफरेंट इंटीग्रल्स उसे कहते हैं जहां पे हमें लिमिट मिल जाए। दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोगों ने कभी कभी फिजिक्स में यूज करते हैं इंटीग्रल्स का लिमिट के साथ, जैसे ऐसे 0 से लेकर 5 तक यहां कुछ रहता है डी थीटा, चाहे कुछ भी रहता है, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। तो यहां ऐसे को हम लोग बोलेंगे कि यानी कि इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर अगर कुछ लिखा जाए तब वो हो जाता है डेफिनेट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, हम लोग इसको बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो हम लोग जो है दोनों टाइप के इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे, डेफिनेट को भी पढ़ेंगे, इनडेफिनेट को भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक देते हैं, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आपको चलेगा लगभग 30-40 दिन मान लो 40-42 दिन इनडेफिनेट। उसके बाद 40-42 दिन के बाद जब हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स को सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले डेफिनेट सीख लो, आपको पहले इनडेफिनेट सीखना पड़ेगा। इनडेफिनेट को सीखेंगे तभी आप डेफिनेट को भी समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। टॉपिक्स देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स इसमें लिखेंगे इट इज एन
इनवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, इनडिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रल्स और इसी को इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग यहां पे बात लिखे हैं कि ये जो है इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का मतलब उल्टा प्रोसेस है, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। यहां पे लिखे ना इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि दोस्तों हम लोग यहां पे सीख पा रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, यानी कि सिंपल वे में बात करें तो इंटीग्रेशन उसे कहते हैं जो डिफरेंशिएशन का उल्टा हो, यानी कि उल्टा डिफरेंशिएशन को हम लोग बोल देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, या फिर इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, या फिर बोलते हैं एक और नाम लिख लो एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि अगर डिफरेंशिएशन को पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, आप फिजिक्स में तो यूज करते हैं ना, हम आपको बोले भी होंगे जब फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे वहां पे इंटीग्रल्स आता होगा, इंटीग्रेशन आता होगा, हम आपको बोले होंगे कि भाई हम लोग अभी वेट कर लो, मैथमेटिक्स में सीखेंगे ना तो और आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं उस चैप्टर को, तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, समझदारी आएगी, अभी नो डाउट्स, अभी आप वेट कर लो अभी भी। तो इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको डिनोट्स किससे करते हैं, तो इसको लिखेंगे नेट, नेक्स्ट एरो, इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज ऐसे, देख लीजिए ऊपर का ऐसे करो, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये कभी इंटीग्रेशन नहीं होता है, हमेशा पहले वाला ऐसे, अरे एस लिखते हैं ना भाई, एस आप स्कूल लिखो तो एस सी एच डबल ओ एल स्कूल ऐसे लिखता हूं ना, तो हमेशा जो यूज किया जाता है ना इंटीग्रेशन वो स्कूल जैसा किया जाता है, लेकिन ये वाला पार्ट ज्यादा टेढ़ा है ना, ये बिल्कुल ऐसे सीधा रहता है, ऐसे ना मात्र ऊपर टेढ़ा रहता है, यानी कि ऐसे इंटीग्रेशन ऐसे देते हैं, ऐसे मतलब एक लाइन पार दो और एक ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे, इसका मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन, या फिर थोड़ा सा अच्छा से लिखना आप चाहते हो तो ये इंटीग्रेशन का साइन, बहुत आराम दे दिए, प्रैक्टिस कर लेना आप इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का साइन एस जैसा होता है, ध्यान रखिएगा उल्टा एस नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख दिए ऐसा, इसको हम लोग इससे डिनोट्स करते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है। चलिए अब जरा हम बात कर लेते हैं सिंबल का, इसमें सिंबल्स में क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो इसमें अगर सिंबल का बात कर लेते हैं, सिंबल जैसे मान लिया इसको लिखते कैसे हैं, तो इंटीग्रेशन और एफ एक्स और डीएक्स, देख लो भाई इसको जब एक साथ जैसे डीवाई बाई डीएक्स लिखा जाता था ना वहां पे, तो यहां हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स, और जहां पे डीएक्स क्या है, जहां पर एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं वेयर, वेयर
एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स, ठीक है। और इस पूरा को यानी कि एफ एक्स डीएक्स को बोलते हैं, एफ एक्स डीएक्स को पूरा को बोलते हैं एफ एक्स डीएक्स, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ, आप यहां लिख देना इधर इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसको, तो एफ एक्स डीएक्स को, यानी कि एफ एक्स डीएक्स को एलिमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसको क्या बोलते हैं, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि किसी भी इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसा डिनोट्स करते हैं, ऐसे सिंबल में इसको हम लोग डालते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन, इसको क्या पढ़ते हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग अगले टॉपिक्स में सीख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट टॉपिक में, जैसे मान लिया कि ये एफ एक्स और डीएक्स है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं इट इज रीड एज, इट इज रीड एज, इसको कैसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसमें हम लोग किसका इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल, अगर दोस्तों ऐसे रहेगा साइन एक्स डीएक्स, दोस्तों वहां पे बट्टा में ना होता था, जैसे डीवाई बाय डीएक्स, डीएक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, यहां डीएक्स के रूप में इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक्स में फंक्शन रहेगा तो यहां डीएक्स देना है, यानी कि बगल में डीएक्स दिया जाता है, तो यहां पे डीवाई बाय डीएक्स नीचे देते थे तो इंटीग्रेशन में इसका इंटू में देना होता है ऊपर, ठीक है। उल्टा है ये, हम सबसे पहली बात बोले हैं कि यहां जहां पे गुना होगा यहां पे भागा करना है। चलो देख लेते हैं, तो साइन एक्स इंटू डीएक्स, इंटू डीएक्स का मतलब ये साइन एक्स रहता ही है, डीएक्स का मतलब नहीं, यानी कि यहां सिर्फ हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसका बोल क्या मतलब हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, डीएक्स नहीं, क्योंकि डीएक्स तो ये हमेशा इसका रूल है, इसका पहचान है कि कहीं भी रहेगा तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अच्छा, अब कुछ हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला भी है, क्या फार्मूला है जरा देख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन के फार्मूला पे आते हैं। तो अब जो टॉपिक बनाएंगे हम लोग वो बनाएंगे फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहला फार्मूला, पहले फार्मूले को नोट कर लीजिए फिर हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला कुछ इस तरीके से है, पहला इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डीएक्स, देखिए डीएक्स ये एक्स में फंक्शन है इसलिए डीएक्स है, इज इक्वल एक्स के पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन प्लस सी, सी को हम लोग बोलते हैं अर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दूसरा फार्मूला वन डीएक्स रहे या सिर्फ डीएक्स रहे, इसका वैल्यू हमेशा एक्स प्लस सी। तीसरा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स प्लस सी। चौथा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस सी। पांचवा सेक स्क्वायर एक्स
का डिफरेंशिएशन tan x प्लस c। पहले इतना फार्मूला को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे के फार्मूलाज को देखेंगे। तो आज हम लोग जो भी चीज यहाँ पे टॉपिक्स दिए है ना दोस्त, फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन को आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक याद कर लियो, ठीक है, तभी हम लोगों को आगे के क्वेश्चन को समझ में आएगा कि क्या हम लोगों को करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर x के पावर n का इंटीग्रेशन दिख जाए तो फार्मूला क्या है, x के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन और प्लस c। दोस्तों एक c के बारे में समझना है, c को हम लोग बोलते हैं अर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या है, अर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट डाल सकते हैं आप, 8 डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, लेकिन वह एक फिक्स वैल्यू हो जाता है। लेकिन इस c के रखने से, अगर हम c रख दिए तो c का मतलब अगर हम 8 लेते हैं तो भी चल सकता है, अगर कोई 10 ले लिया तो भी चल सकता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा इंटीग्रेशन के लास्ट में ये c का डालना बहुत जरूरी है। यानी कि आप ये समझ जाओ कि इंटीग्रेशन में जो हम लोगों का आंसर आएगा वो अंत में c जरूर जोड़ना है, क्योंकि अर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है इंटीग्रेशन में। पक्की बात, यानी कि सीधा मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो हम सिर्फ माइनस कोसेक्स बोलेंगे, लेकिन प्लस सी लिखना है, बोलते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं माइनस कोसेक्स प्लस सी, लेकिन आंसर आप जब लिखें तो वहां पर भी माइनस कोसेक्स प्लस सी लिख सकते हैं। यानी कि सी का लिखना बोलना बहुत जरूरी है सिंपल वे में, आपको पूरा का पूरा, लेकिन आपको सी का याद नहीं रखना है, आपको मेन यही याद रखना है, ठीक है। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक्स, इसको आपको याद रखना है। प्लस सी तो हमको पता ही है कि इंटीग्रेशन के वजह से ये प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी यूज करना है, ठीक है। कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बार बार डिफरेंशिएशन बुला रहा है, सॉरी आप समझ रहे होंगे इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। वन इंटू डीएक्स, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि वन का डिफरेंशिएशन, ध्यान रहे दोस्तों वहां पे हम लोग देखते थे कहां पे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, कि कांस्टेंट का जीरो होता है, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है। जरा हम शुरू से समझ लेते हैं चीजों को। अगर दोस्तों एक्स के पावर एन रहेगा उसका इंटीग्रेशन करने बोलेगा तो हम एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन और सी को तो ऐड करना ही करना है, जिसको अर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, हम आपको बोले कि एक्स के पावर फोर है और डीएक्स है, इसको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे भाई, तो इसका जो आंसर होगा, आप जो आधार है, आधार कौन है एक्स, और घात कितना है 4, यानी कि एन का वैल्यू 4 और नीचे में एक्स का एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आधार का आधार लिख लीजिए एक्स, और पावर में एक जोड़ देना है, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, और बटा में जितना जोड़ के ऊपर आएगा 5 को नीचे भी लिख देना है प्लस सी। समझ में आ रहा है। हम अगर बोले दूसरा कि आप कर लो एक्स माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर माइनस थ्री है और इसको डिफरेंशिएशन करो भाई, तो आप डिफरेंशिएशन करके कितना लाएंगे, एक्स का तो एक्स रखना ही रखना है और माइनस थ्री में एन प्लस वन करना है, यानी कि जितना यहां पावर है उसमें एक्स जोड़ना है, वन जोड़ना है, तो माइनस थ्री है और वन जोड़िए तो कितना आएगा माइनस टू, और बटा कर देना है माइनस टू, क्योंकि एन प्लस वन जितना ऊपर आएगा एन प्लस वन वही वाला जोड़कर जो आएगा उसको नीचे रख देना है। तो याद रहेगा फार्मूला, एक्स के पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स के पावर एन प्लस वन बट्टा एन प्लस वन होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स के पावर फोर का इंटीग्रेशन कितना आया, एक्स के पावर फाइव बटा फाइव प्लस सी।
अब आप हमसे बोलेंगे कि सर आप तो बोले थे कि जो इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ये बात अभी हमको समझ में नहीं आया। हम बोले कि ठीक है अभी समझाते हैं। हमको यहां से इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर क्या आया, तो एक्स के पावर 5/5 प्लस सी आया। अब जरा इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो हम लोगों को x के पावर 4 आ जाएगा। देख लो x के पावर 5/5 है तो इसमें कांस्टेंट क्या है 1/5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए। अब x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे होता है कि पावर को बाहर निकालो, 5 को बाहर निकाल लिए और x के पावर 1 घट जाता है तो 5 के बजाय 4 हो गया, और ये कांस्टेंट ना है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 5 से 5 कटिस तो x के पावर 4 बचिस। समझ रहे? यानी कि हम किसी का भी यार चेक कर सकते हो क्योंकि ये उल्टा होता ही है, होता ही है, ठीक है। यानी कि हम बात किया जाए कि इंटीग्रेशन जो है ना उल्टा प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो पहला रूल से याद रहा x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x के पावर n+1/n+1। जरा एक और एग्जांपल करके दिखा लेते हैं। अगर मान लिया कि ऐसा सिचुएशन बन गया, कैसा सिचुएशन, तो इंटीग्रेशन करना है x के पावर -8 dx, तब कैसे करेंगे? तो यहां पे जो हम लोग पावर दिख रहा है -8, वहां पे हम लोग ऊपर में भी 1 जोड़ेंगे और जो ऊपर आएगा -8+1। आप इसको मन में भी कर सकते हो यार, इतना चीजें आप सीख गए हो। तो यहां पे तो n+1 करना है, आप माइंड में भी ऐड कर सकते हो, और नहीं तो x के पावर -8 में 1 जोड़ना है और फिर ऊपर वाला नीचे उतार देना है और फिर यहां पे c को ऐड कर देना है, c अपने आप ऐड करना है। और यहां पे क्या होगा, तो x के पावर -8 और +1 तो x के पावर -7/-7, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे प्लस सी नहीं छोड़ना, प्लस सी तो लगाना ही लगाना है, दैट इज अ मस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से पहला रूल तो समझ में आ गया। तो आपको याद करते चलना है कि x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो x के पावर n+1/n+1 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा रूल पे आते हैं। दूसरा रूल क्या बोला कि 1 into dx रहे, 1 into dx का मतलब 1 का ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, 1 का। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो x, या फिर तो खाली dx रहे, तो भाई dx को 1 से गुना करेंगे तो dx से ना होगा, तो 1 dx रहे गुना में, या फिर सिर्फ dx रहे उसका इंटीग्रेशन याद कर लेना है 1 x x और प्लस ही ऐड करना है। यानी कि अगर आपको कभी आ गया कि इंटीग्रेशन करो 2 dx तो क्या करोगे, 2 का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसा कि आप डिफरेंशिएशन सीखे होगे ना, वहां इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर कर लेते, तो 2 को बाहर कर दिए तो अंदर में खाली dx बचा और dx का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x, तो 2x और प्लस सी हो गया। यानी कि इस dx का वैल्यू कितना होता है, x, या फिर हम इसको 2 को बाहर किए तो 1 into dx भी तो लिख सकते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो अगर आप पूछोगे कि सर जब इसका उल्टा होता है तो जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम लोगों का ये आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए, हाँ बिल्कुल आना चाहिए। देख लो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x का तो 2 बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 और c का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 को 1 से गुना करो 2 आया। यानी कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस, उल्टा होता है। तो दूसरा रूल आप क्या याद रखेंगे कि देखो आप रूल क्यों याद रखते हो, कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, है ना, जल्दी करने के लिए, चीजों को फिट बैठाने के लिए, फटाफट आप चीजों को याद रख लो कि 1 का इंटीग्रेशन x या dx का इंटीग्रेशन x और c तो अपने मन में सब में लगाना है, तो x+c। चलिए तीसरा पे आता है। देख लो भाई अब तीसरा चौथा जितना भी सवाल है
आप अगर जैसे डिफरेंशिएशन का याद रखते हो ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स का, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सबको याद रखे हो आप, वैसे ही दोस्तों इंटीग्रेशन का भी आपको रूल नियम याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद रखिएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी एड कर देना है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो कॉस एक्स का साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी और सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी। आप याद किए होंगे दोस्तों, क्या याद किए होंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो इसी का आपको उल्टा याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन कॉस एक्स का किया जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, दिख रहा है ना, सब उल्टा चीज है। अब आप पढ़े होंगे फार्मूला कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, याद नहीं होगा तो भाई याद दिला देते हैं, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या बोले, उसका उल्टा प्रोसेस है, देख लो रूल में हम लोगों को मिल गया, क्या मिल गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन एक्स होता है और प्लस सी एड कर लेना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप चीजों को अगर डिफरेंशिएशन, देखो हम पहले ही बोले कि अगर आपको डिफरेंशिएशन अगर अच्छा से समझ लिए, डिफरेंशिएशन के रूल नियम को अगर अच्छा से आप पढ़ लिए तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसके लिए, तो इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, अच्छा आपको लग रहा होगा सर इसको नहीं बताया, इसको भी बता देते हैं भाई, देख लो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना जानते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ माइनस कॉस एक्स है ना, तो माइनस कॉस एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो माइनस कॉस एक्स है तो माइनस तो बाहर होगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया कि नहीं, आ गया ना, इससे अगर डिफरेंशिएशन कर रहे तो उल्टा करने पे आ जा रहे हैं। तो आप समझो कि टेन एक्स का वहां पे पढ़ते थे एक्स सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस को यहां कर दो, माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। तो आपको जो है ना, छोड़ दो उतना बात, हम आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे थे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, बाकी तुमको दिमाग नहीं लगाना, बाकी तुमको यही दिमाग लगाना हमको कैसे भी फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद करना तुम्हारा काम है भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस सी, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स प्लस सी, पक्की। चलिए फिर आगे हम लोग पांच तक के फार्मूला लिखे, आगे लिखते हैं छठे से, छठा फार्मूला, छठा है इंटीग्रेशन, याद रख लियो भाई सबको, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉटेक्स प्लस सी, ठीक है। फिर अगर बात करें सातवां रूल्स, अब सबको समझाना नहीं है यार, अब इसमें समझना क्या है, हम तो एक ही बार समझा दिए ना कि सबका इनवर्स उल्टा प्रोसेस होता है, अब उल्टा प्रोसेस इसका मतलब आपको तो याद रखना ही पड़ेगा ना, आप याद रख लियो सबको, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स हो गया, फिर याद रखना है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन इसका होता है सेक एक्स प्लस सी। फिर बात करते हैं अगला आठवां फार्मूला, कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स का, देखो डीएक्स डीएक्स यहां लग रहा है ना, तो इसका मतलब नहीं समझना ज्यादा, ये डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी,
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नवा फॉर्मूला, नवा ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, प्लस सी लगा देना है। देख लो हम वहां पढ़े थे ना कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, पढ़े थे ना ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। सेम थिंग्स यहां पे भी ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होगा क्योंकि उल्टा भी तो वही होता है। फिर आगे आते हैं 10 नंबर फॉर्मूला, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, जी हाँ लॉग एक्स प्लस सी, याद है ना लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता था वहां 1 बाय एक्स, तो यहां उल्टा याद रखना है 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। फिर आते हैं 11 नंबर, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए के पावर एक्स का होता है यहां पे ए के पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। चलिए तो ये जो फार्मूला है वो आपको बिल्कुल कवर कर लेना होगा खुद से ही, है ना, क्योंकि दोस्तों आप खुद बात को समझ पा रहे होंगे कि यहां पे तो क्लास तो है नहीं ना, आप खुद समझ पाइए इस बात को, क्लास तो है नहीं कि चलो भाई आपको जबरदस्ती याद करवा ही देना है, क्योंकि क्लास रहता था तो हम लोग का अलग अंदाज रहता था पढ़ने का, चलो भाई आज लिखवा दिया 10 फार्मूला 15 फार्मूला, तो एक क्लास में लोग करके भी लाते हैं। अब आप नहीं पढ़ रहे हो अपने आप, तो आप समझ पा रहे हो लॉकडाउन कब खुलेगा, अब समझ सुन में आ रहा है कि जुलाई अगस्त तक खींचेगा, अभी भी पता नहीं है क्योंकि कोरोना वाला मामला अगर कम पड़ेगा उसका ग्राफ अगर नीचे जाएगा तभी तो कहीं भी सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन आप सोचो कि अगर अगस्त में खुलेगा यार तो कितना तो मैनेज कर लेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना, और 4 महीना में कोर्स अभी पढ़ेंगे तब ना, तो आप समझ जाओ 4 महीना में कुछ नहीं होने वाला क्योंकि लास्ट टाइम। लेकिन अभी अगर हम लोग पढ़े रहेंगे, है ना, अभी चीजों को याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप समझो कि हमको खुद से ही करना है, कोई तुमको प्रेशर देने वाला नहीं है अभी, और फिर भी तुमको पढ़ना है, टफ तो है नो डाउट, लेकिन इस टफ को आपको रियल होकर समझना है, रियलिटी देखना है, ठीक है। तो यहां पे आप देख लो ये फार्मूला ना दोस्तों, ईमानदारी से आपको याद रखना है, अगर घर में कोई पढ़ने वाला है आपके साथ, कोई उस तरह का है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लो, उनके साथ पढ़ो और उनके साथ ना ये सब डिस्कस करो, देखो भाई पूछ लो हमको सभी चीजें याद है, तो एक अलग एनर्जेटिक देता है पढ़ने के प्रोत्साहित को, ये भावना को बढ़ाता है, चलो हमको तो याद हो गया ना। और दूसरी बात आप देखते ही होंगे कि मैथमेटिक्स के अगर बुक्स की क्वेश्चन बनता है और आंसर मिलता है तो अंदर से कितना खुशी होता है, तो वैसे ही खुशी को हमेशा बनाए रखना है ताकि हम लोगों को ये बकवास नहीं लगे, और जिसको बकवास लगेगा तो फिर एग्जाम में क्या होगा पता नहीं। तो यहां पे सभी फार्मूला को आपको ना याद रखना है, cos x square x का इंटीग्रेशन, माइनस cot x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x plus c, cos x cot x का अगर मल्टीपल रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x plus c, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x plus c, 1 by x का इंटीग्रेशन log x plus c, e के पावर x का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। चलिए तो इन 11 फार्मूला को आप जरूर याद कर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाले काम करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट हम लोग रूल्स को समझते हैं, आइए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। देख लो भाई पहला जो रूल्स है उसको आपको ऐसे समझना है, पहला रूल, अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट हो, जैसे एफ एक्स और डीएक्स को मतलब समझ रहे हैं, एफ एक्स का मतलब जिसका करना है जैसे साइन एक्स कुछ भी रहेगा उसको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन अंदर में कोई कांस्टेंट रहे जैसे 2 रहे 4 रहे तो हम लोग बेहिचक डिफरेंशिएशन के जैसा इसको बाहर कर सकते हैं, मतलब k को बाहर कर लिया और एफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी पहला रूल हम लोग क्या समझे कि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देना है, ठीक है। चलिए दूसरे पे आते हैं,
दूसरा रूल क्या बोलता है? तो दूसरा रूल हम लोगों को यह सिखाता है कि अगर दोस्तों इंटीग्रेशन रहे और एफ एक्स प्लस जी एक्स दूगो इंटीग्रेशन रहेगा, दूगो प्लस में रहेगा, देख लो प्लस में है एफ एक्स और जी एक्स, अगर दूगो इंटीग्रेशन रहेगा तो दोस्तों इसको इंटीग्रेशन में अलग अलग तोड़ देंगे, यानी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, यानी जितना भी प्लस में होगा हम लोग तोड़ देंगे। पढ़ते थे ना डिफरेंशिएशन में, अगर उसके अंदर में प्लस में रहता था तो बहुत सारा पार्ट में तोड़ देते थे, उसी तरीके से यहां पे भी एफ एक्स और जी एक्स प्लस में है तो प्लस में तोड़ दिए। अगर तीसरा एग्जांपल, तीसरा रूल का बात करें तो अगर यही एफ एक्स माइनस जी एक्स होता और फिर डी एक्स होता तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ देते, एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ठीक है, यानी कि प्लस में तोड़ दिए अलग अलग, माइनस में हम लोग तोड़ दिए अलग अलग, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि अगर इंटीग्रेशन प्लस में रहता है तो प्लस में अलग अलग टूटता है, माइनस में रहता है तो हम लोग अलग अलग टूटता है, ठीक है। एक और चौथा रूल कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन रहे, जैसे डी एफ एक्स बटा डी एक्स और इंटू डी एक्स, देख लो भाई यहां के बाद समझो इंटीग्रेशन है और इसको आप देख लो, इसको हम बोलेंगे ना कि डिफरेंशिएशन है डी वाई बटा डी एक्स, अरे तो वाई की जगह पे एफ एक्स है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा है और फिर डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एफ एक्स बचता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बचता है, एफ एक्स। तो अगर कोई रूल में, अगर कोई नियम में, अगर कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है कि एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसको फिर से अगर इंटीग्रेशन करेंगे डीएक्स के रिस्पेक्ट में तो एफएक्स का एफएक्स बच जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको सिखा ही देते हैं, आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। अगर मान लिया दोस्तों जैसे डी साइन एक्स है और बटा डीएक्स है, डी साइन एक्स है और बटा डीएक्स है, ये अभी क्या आपको दिख रहा है डिफरेंशिएशन, लेकिन इंटीग्रेशन में एक चेंज हो जाएगा यहां पे और यहां पे, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो डीएक्स गुना में ना होता है तो दो को चेंज कर दिए तो अब इंटीग्रेशन हो गया तो इसका आंसर लिख देंगे डायरेक्ट साइन एक्स, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको नोट नहीं करना, ये हम आपको ऐसे ही समझा रहे थे कि क्या होता है। तो ये चार रूल को फॉलो करना है, ये चार इंपोर्टेंट। अब कुछ लोग होंगे ना अपने से दिमाग लगा लेंगे कि अगर सर प्लस है तो अलग अलग तोड़ दिए, अगर गुना होगा यहां पे तो गुना में भी अलग अलग तोड़ देंगे, तो नहीं। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए रूल है ना यू इंटू भी वाला, वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए भी है, इसलिए इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस और माइनस रहेगा दोस्तों, तभी अलग अलग तोड़ना है। जैसे प्लस रहेगा तो इसको अलग अलग तोड़ देना है, अगर माइनस रहेगा तो अलग अलग तोड़ देना है, लेकिन अगर गुना रहेगा तो गुना में करके अलग अलग नहीं तोड़ा जाता है, न भागा रहेगा तो भागा में नहीं टूटता है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखने का जरूरत है। चलिए हम लोग फिर से आते हैं नेक्स्ट रूल्स नियम पे, तो इन चीजों को नोट करते चले जाना है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग यहां पे अदर फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ अदर फार्मूला। अब अदर फार्मूला क्या क्या है उसको देखते हैं, अदर फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, अदर फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन के अदर फार्मूला क्या है। तो पहला लिखा जाए इसमें अदर फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में, पहला दोस्तों अगर ऐसा रहेगा ए एक्स प्लस बी के पावर अगर एन रहेगा और यहां इंटीग्रेशन रहेगा डीएक्स, ठीक है, तब हम इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर ए एक्स प्लस बी
टोटल के पावर अगर n रहेगा और इनटू में dx रहेगा तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, इसका जो रूल होता है कि ax प्लस बी के पावर n प्लस वन बटा में n प्लस वन, ये तो होता ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के बगल में क्या है, x के बगल में क्या है, a है तो इसको a से भाग कर देना है, वन बाई ए कर देना है, यानी कि x के जितना बगल में रहेगा उससे डिवाइड कर देना है और प्लस c, ये रूल होता है ठीक है। कि अगर ax प्लस बी रहे पूरा का पावर n रहे तो फार्मूला वही लगेगा n प्लस वन बटा n प्लस वन, ax प्लस बी का, लेकिन ax प्लस बी का पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन, लेकिन किससे डिवाइड करना होता है तो x के जो बगल में होता है उससे डिवाइड कर देना है। चलिए अब आते हैं दूसरा पे, अदर फार्मूला ऑफ ये इंटीग्रेशन है। अगर दोस्तों ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन e के पावर अगर ए एक्स प्लस बी रहा और इंटू डी एक्स रहा तब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते ना है e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो e के पावर ए एक्स प्लस बी का e के पावर ए एक्स प्लस बी हो गया ठीक है, e के पावर ए एक्स प्लस बी का e के पावर x प्लस बी हो गया, लेकिन x के बगल में क्या है a, तो इसको a से डिवाइड कर देंगे और प्लस c लगा देना है ठीक है। तो सिंपल है, आपको फार्मूला लगा देना है और अगर x के जो बगल में रहता है ना उससे डिवाइड कर देना है, अगर इस तरीके का सवाल मिले तब ठीक है। हमेशा x के बगल वाला ही, x स्क्वायर रहेगा तो वो दूसरा चेंज हो जाएगा, फिलहाल x वाला ही समझना है। चलिए तीसरा में, अगर ऐसा रहेगा कैसा, अगर साइन के अंदर जैसे इंटीग्रेशन साइन के एंगल में रहा ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स तब इसका क्या होगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अब पढ़े माइनस कॉस एक्स, तो यहां हो जाएगा माइनस कॉस एक्स के जगह पे है ए एक्स प्लस बी, दिख पा रहा होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स ना, तो माइनस कॉस एक्स के जगह पे एक्स प्लस बी डाल दिया, लेकिन एक्स के बगल में क्या है, एक्स का गुणांक क्या है तो ए है, इसको ए से डिवाइड कर दिया प्लस में सी ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग तीन देखे, अगर मान लिया कि सवाल ऐसे रहेगा, चौथा इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स तब इसका कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे कॉस के जगह पे हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए साइन, और उसके अंदर में एंगल में क्या है तो ए एक्स प्लस बी, लेकिन दोस्तों एक्स के बगल में क्या है ए, तो ए से भाग कर देंगे प्लस बी, यानी जो x के बगल में है उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से 7.1 एक्सरसाइज का पूरा थ्योरी खत्म, यानी कि हम बोले तो एक्सरसाइज 7.1 में जो थ्योरी था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया दोस्तों, यानी कि अब आपको थ्योरी से मतलब ही नहीं है, अब आपको क्वेश्चन करना है। तो जितना थ्योरी में हम लोग अभी पढ़े हैं उस पूरे थ्योरी को ईमानदारी से आपको क्या होना चाहिए, तो पूरा का पूरा फार्मूला याद होना चाहिए ठीक है, पूरा का पूरा फार्मूला टू द पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर हम लोग चलते हैं फिलहाल अब एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। अगर दोस्त आपके पास बुक नहीं है तो जरूर से जरूर जितना जल्दी हो सके सेकेंड बुक का
इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि बुक बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बुक नहीं होगा आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए बुक का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग जरूरी होगा, आप खुद घर पे भी यूज कर पाएंगे, बुक रहेगा तभी तो। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। तो सेवन पॉइंट वन आपको पेज नंबर निकलेगा, एक्सरसाइज 7.1 जी हाँ, पेज नंबर 299, ठीक है 299 पेज नंबर, ठीक है 299। चलिए तो आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। तो पहला का पहला क्वेश्चन है, ऊपर पढ़िए लिखा हुआ फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, इंटीग्रेशन ना, हम लोग इसीलिए तो पढ़े कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो हमको पहला सवाल है साइन 2x का, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा साइन 2x और dx। तो भाई साइन x का इंटीग्रेशन अभी क्या पढ़े हम लोग, साइन x का इंटीग्रेशन होता है क्या, तो साइन x का बनता है माइनस कॉस x, तो 2x का 2x लिखिए, लेकिन x के बगल में क्या है 2, तो इसको 2 से भाग कर दीजिए प्लस सी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम बना देते हैं। e के पावर 2x और dx, ये dx अपने तरफ से सवाल में तो खाली e के पावर 2x लिखा हुआ है, फिर बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव निकालो, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, तो e के पावर 2x का e के पावर 2x, लेकिन x के बगल में क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस सी जोड़ देंगे आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, तो चौथा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, चौथा क्वेश्चन है किसका करना है, तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटू dx अपने तरफ से लिख देते हैं। तो हम लोग क्या समझे कि स्क्वायर वाला का पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऊपर में भी एक जोड़ी और नीचे में भी, तो यहां हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर, दो में एक जोड़ेंगे तो 3 और नीचे वाला भी 3, लेकिन x के बगल में क्या है a, तो a से डिवाइड कर देंगे तो 3 ये नीचे हो जाएगा, a से डिवाइड करना है और प्लस में c। तो अगर हम पांचवा क्वेश्चन का बात करें, पांचवा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है साइन 2x का, ठीक है, और माइनस 4e के पावर 3x का, ये पूरा का इंटीग्रेशन करना है। तो पूरा का इंटीग्रेशन करना का मतलब समझ रहे हैं, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ लीजिए, तो अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे तो ए वो होगा साइन 2x dx, हम लोग सीखे ना कि प्लस और माइनस में होता है, तो इंटीग्रेशन को क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए, तो इसको अलग तोड़ दिए फिर माइनस, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और 4e के पावर 3x इंटू dx, अलग अलग तोड़ लिया। अब अलग अलग तोड़ लेने के साथ ही दोस्तों अब हम लोग इसको ऊपर से मिटाते हैं, कैसे बनाएंगे जरा देख लेते हैं। अलग अलग तो तोड़ लिया, अब साइन 2x dx है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस कोस और 2x का 2x, लेकिन एक्स के बगल में 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया माइनस। हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर में कोई अगर कांस्टेंट देखते हैं दोस्तों, तो कांस्टेंट को कहां निकाल लेते हैं, बाहर, तो 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बच रहा होगा e के पावर 3x और dx, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया तो ऐसा ही का वैसे ही छोड़ दीजिए, माइनस कोस 2x बटा 2 माइनस 4 इंटू e के पावर 3x का इंटीग्रेशन,
तो e के पावर x का e के पावर x होता है, तो e के पावर 3x का e के पावर 3x, और x के बगल में 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा और प्लस में c आंसर कर देंगे। तो टोटल मिला के हम लोगों का आंसर क्या होगा पता है? अब बुक में देखिएगा ना तो अच्छा से लिखा हुआ रहेगा इसका आंसर, कैसे लिखा रहेगा देख लेते हैं। तो इसका लिखा रहेगा -1/2 इंटू कॉस 2x, ठीक है, -4/3, ये वाला को x ऑफ लिखा रहेगा, फिर इंटू में करके लिखा रहेगा e के पावर 3x प्लस c। तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन को अगर आप आगे देख पा रहे होंगे तो अगले सवाल छठा सातवां आठवां नवा को आपको ट्राई करना है, जहां तक भी बन सके आपको अपना दिमाग का यूज करना है और इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला आपको पहले याद रहना चाहिए। तो हम पहले पांच क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर दिए हैं, आगे का क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, जितना बने तो ठीक है और नहीं बनेगा तो हम अगले दिन क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।